प्रमाण होने के बावजूद राशन चोरी घोटाले में भाजपा से जुड़े संलिप्त लोगों को बचाने के मामले में दबाने के विरोध में घुमारवीं में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी की अगुवाई में रैली निकालकर एसडीएम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके दौरान प्रदेश सरकार के विरुद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद राशन चोरी घोटाले में भाजपा से जुड़े संलिप्त लोगों को बचाने के मामले को दबाने के विरोध में घुमारवीं में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी की अगुवाई में रैली निकालकर एसडीएम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के विरुद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शीघ्र राशन चोरी घोटाले की न्यायिक जांच करवाई जाए, अन्यथा घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र की पूर्ण जनता सड़कों पर न्याय प्राप्ति के लिए उतरेगी, जिसके प्रति प्रदेश सरकार जवाबदेह होगी। यहाँ पर आने की हिम्मत करें और आप हम सब लोग बाजार से यहाँ से जुलूस निकालते हुए एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे। हमने सरकार से पहले भी मांग की है, ऐसे इस तरह के घोटाले में मांग करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक युवा साथी ने जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है उसने हिम्मत दिखाई और एक बहुत बड़े विरोध का पर्दाफाश करने के लिए जो है वो वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया में जारी करी, प्रिंट मीडिया में इसकी खबरें छपी, टेलीविजन पे इसका प्रसारण हुआ, लगभग 1.25 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी। लेकिन एक ऐसी सरकार है, ये जांच से पहले 26 तारीख को हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो राशन की तस्करी करने वाले हैं, उनको पहले से ही उन्होंने ग्रीन चीट दे दी कि इसमें इनका जो है वो कोई दोष नहीं बनता। आपके कार्यकर्ता जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर होंगे, लेकिन गरीब आदमी का, आम आदमी का राशन चोरने का हक उनको कहीं से कोई कानून नहीं। हमारी एनएसयूआई की टीम जो हमारे घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में राशन घोटाला सामने आया हुआ है, इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि गरीब परिवारों के जो राशन चोरी हो रहा था वो गरीबों तक राशन पहुंच सके। वक्त तो चलक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।